लगातार कम हो रहे कोरोना संक्रमण के चलते अब प्रदेश में मिडिल स्कूलों को भी खोल दिया गया है। पहले 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं स्कूलों में शुरू की गई थी और अब 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए भी स्कूल को खोल दिया गया है। वहीं स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। स्कूल बसों से लेकर असेंबली तक और उसके बाद क्लासरूम से लेकर टॉयलेट तक कोविड नियमों का पूरी तरह से स्कूल पालन कर रहे हैं ताकि बच्चों तक संक्रमण ना पहुंचे। स्कूलों में क्लासरूम के बाहर सैनिटाइजर से लेकर मास्क तक की व्यवस्था की गई है। हालांकि आज पहले दिन स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम रही। जब हमने 9th से 12th के लिए कंसेंट लेटर मांगे थे पेरेंट्स से, तो 9th से 12th के साथ साथ क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी कहा था कि 6ठी से 8वीं के स्कूल 23 तारीख से खोलेंगे, आज 23 जुलाई है, तो जब हम ऑलरेडी 23 जुलाई को 6th से 8th के लिए स्कूल खोल रहे थे, तो अब पेरेंट्स ऑलरेडी आगे से ही प्रोएक्टिव होकर 4th और 5th के लिए बात कर रहा है। ऑल थैंक्स टू डी ICMR ऑल्सो, हर पेरेंट्स पढ़ा लिखा है, बच्चों के प्रति अवेयर है। पैनडेमिक इतना बड़ा था तो जितनी भी खबरें कोरोना से रिलेटेड और स्कूल से रिलेटेड आती हैं तो उन पे पेरेंट्स की नज़र रहती है। तो ऑलरेडी आप जब ICMR की खबर पढ़ी, पेरेंट्स ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो वो आगे से पूछ रहे हैं कि आप सरकार, और वैसे भी मेरे ख्याल से जो डर है वो सरकार की ही एक अनाउंसमेंट से ख़त्म होगा, जब सरकार कहेगी कि हाँ भैया कोरोना इज़ ऑल ओवर। तो जैसे अब पेरेंट्स को वैक्सीनेट कर दिया गया है, वो सबसे अच्छी पहल है। जिस स्पीड से वैक्सीनेशन ड्राइव चली है, दो दो डोज लग गए हैं, पेरेंट्स में डर का माहौल ख़त्म हो गया है। हम सबसे बड़ी बात ये कर रहे हैं कि जो मैं बार बार कहता हूँ, जो सरकारी एजेंसी हैं, BOD ऑफिस हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल सबका औचक भी और वैसे भी निरीक्षण करें और अच्छे से, मतलब मेरे ख्याल से छापे मारने की बजाय गाइडलाइंस को फॉलो करवाने के लिए जो कमियां रह जाती हैं उनको फुलफिल कराएं। जैसे हमने ऑलरेडी बच्चों को अच्छे से कि भाई पहले सारे रूम सैनिटाइज करके और अब उनको 15-15 बच्चों को बिठाया एक एक क्लास में, मतलब यदि हम 6th क्लास की बात करें, वी हैव दी 100+ ऑफ दी कैपेसिटी, तो 100 बच्चों को तकरीबन 7 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, 15-15 बच्चे बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान हो गया। सबसे बड़ी बात जो मेरे दिमाग में थी कि बच्चा कहीं ना कहीं या तो मास्क भूलेगा या वाटर बॉटल्स भूलेगा, वाटर बॉटल्स की कॉमन प्रॉब्लम रहती है गर्मियों में, तो हमने ऑलरेडी अपने खर्चे पर 200 वाटर बॉटल्स खरीदी हैं, जो भी बच्चा वाटर बॉटल भूलता है वो एक दूसरे की शेयर ना करें। इसीलिए अभी तक हमने कैंटीन को नहीं खोला है। देखो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ऑनलाइन क्लासेज के इसमें जब टीचर पढ़ा रही थी तो सारे बच्चे वीडियो पे थे और टीचर्स को पढ़ाना आसान था, अब क्योंकि सामने फिजिकल क्लास भी चल रही है और कुछ जो बच्चे होम टाउन गए हैं दूर दराज में, वो ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, तो जैसे मैं आपके कैमरे के सामने बैठा हूँ, इस तरीके से टीचर का पढ़ाना तो मतलब कम्युनिकेटिव बहुत स्ट्रांग होता है। बट अदरवाइज केस में जब टीचर बोर्ड पे भी जा रही है बार बार पढ़ाने और पूरी क्लास को भी अटेंड कर रही है, तो उसकी क्वालिटी में तो फर्क आता है। आपको बता दें कि बीती 16 जुलाई से हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोले गए थे और 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोले गए हैं। वहीं स्कूल के खुलने से बच्चे भी काफी खुश नजर आए। ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसे हमारी आईज में बहुत पेन होता है और नेट जाने की वजह से हमें अच्छे से समझ भी नहीं आता था, पर अब हम ऑफलाइन आते हैं तो हम अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं साथ साथ और अच्छे से समझ भी आता है जो भी टीचर पढ़ाती है। तो बेहतर पढ़ाई बेहतर होगी ऑनलाइन से, ज़्यादा अच्छी हो रही है? हाँ, ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है ऑनलाइन। वहीं जानकारों की माने तो अभी स्कूल खोलने का निर्णय जल्दबाजी वाला है क्योंकि तीसरी संभावित लहर की बात की जा रही है। ऐसे में बच्चों के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में हालात बिगड़े तो सवाल उठता है कि उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। पंजाब के सिटी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।